गुड मॉर्निंग। सी एस सारा मेडिकल में आप एनाटॉमी की क्लास देख रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने क्या देखा था, एनाटॉमी में कैविटी देखी थी। क्या देखी थी? कैविटी देखी थी कि कैविटी कितने प्रकार की होती है, कैविटी कहाँ पाई जाती है और कैविटी क्या काम करती है। ठीक है, इसके बाद हमने कैविटी देख लिया था, कैविटी के अंदर कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं हमने वो नहीं देखा था। ठीक है, तो हमको देखो कैविटी को और अच्छे से समझने के लिए इसमें देखना कैविटी क्या कहलाती है। इधर देखो कैविटी क्या कहलाती है, देखो थोरेसिक कैविटी कहाँ पाई जाती है, ये यहाँ से ये लंग्स दिख रहे हैं, ये दो लंग्स दिख रहे हैं, ये हार्ट है। ठीक है, ये क्या है, हार्ट है, ये दोनों लंग्स हैं। ठीक है, तो इस लंग्स के दोनों तरफ क्या पाया जाता है, प्लूरल कैविटी। कौन सी, देखो ये जो ये वाला पार्ट है इसमें पूरे में क्या पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी पाई जाती है। कौन सी कैविटी पाई जाती है, थोरेसिक कैविटी पाई जाती है। ठीक है, अब थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है, लंग्स। लंग्स में कौन सी कैविटी है, दोनों लंग्स में प्लूरल कैविटी है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये खाली भाग जहाँ पे क्या है, सुपीरियर मेला कावा है, क्या है, एओरेटा है, इसोफेगस है, ट्रेकिया है, थाइमस ग्लैंड है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, मीडियल स्टर्नम कैविटी। किसके अंदर, मीडियल स्टर्नम कैविटी। इसके बाद हार्ट आता है। ठीक है, तो हार्ट को कौन सी कैविटी करके कवर करके रखती है, पेरिकार्डियल कैविटी। कौन सी कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी हार्ट को कवर करके रखती है। तो थोरेसिक कैविटी समझ में आई, थोरेसिक कैविटी के नीचे आते हैं अपन, तो ये क्या है, डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम। यहाँ डायफ्राम होता है, डायफ्राम के बाद ये जो इतना पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या क्या आता है, हमको ये देखना है कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट आता है ये क्या कहलाता है, पेल्विस कैविटी कहलाता है। ये पूरा पार्ट एब्डोमिनल कैविटी
कंपनी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एजेक्युलेटरी ट्यूब्स मतलब होता है दो स्खलनीय वाहिनियां, ठीक है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स मतलब होता है शुक्राशय, क्या होता है शुक्राशय, दो शुक्राशय जो किसमें पाए जाते हैं मेल में, किसमें पाए जाते हैं मेल में। उसके बाद अपन आते हैं दो शुक्र वाहिनियां, वॉस डिफरेंस मतलब क्या होता है दो शुक्र वाहिनियां, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, क्या पाया जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड्स किसमें पाए जाते हैं शुक्राशय या वृषण रज्जु के अलावा, क्या कहलाता है वृषण रज्जु। तो हमने क्या देख लिया, एनाटॉमी देख ली, एनाटॉमी में हमने थोरेसिक कैविटी देख ली, और क्या देख ली थोरेसिक कैविटी बस देखी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल पेल्विस कैविटी की देखी, क्या देखी एब्डोमिनल पेल्विस कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर हमने ये पार्ट्स देख लिए, ठीक है। प्लूरल आता है फर्स्ट, प्लूरल के अंदर रिब केज और लंग्स होता है, ठीक है। रिब केज मैंने इसलिए लिख दिया कि लंग्स जो हमारा थोरेसिक कैविटी होता है वो रिब केज के मतलब पसलियां उसको चारों तरफ से कवर करके रखती है, ठीक है। उसके बाद आता है मीडियल स्टर्नम, मीडियल स्टर्नम में क्या आता है एओर्टा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, इसोफेगस ट्रेकिया और थाइमस ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आता है पेरिकार्डियल कैविटी, यह किसको कवर करके रखता है हार्ट को कवर करके रखता है। इसके बाद आता है एब्डोमिनल कैविटी, किसको कवर करके रखता है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर गॉल ब्लैडर पैनक्रियास स्प्लीन एंड किडनी, ठीक है। इसके बाद आता है पैलेस कैविटी, पैलेस कैविटी के अंदर कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं ना, ये जो पैलेस कैविटी इसने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करके रखा है कवर करके रखा है, ठीक है। तो उसके अंदर आता है यूरेटर्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेक्टम, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, वजाइना, एजेक्युलेटरी ट्यूब, सेमिनल वेसिकल्स, वॉस डिफरेंस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, ये किसमें पाया जाता है एब्डोमिनल पेल्विस कैविटी, ये दोनों पार्ट किसके हो गए एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विस कैविटी, ठीक है। ये समझ में आया कैविटी क्या कहलाती है, कैविटी हमारे शरीर के अक्षीय भाग में पाई जाती है, कैविटी में तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, और ये कैविटी क्या करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को चारों ओर से कवर करके रखती है और सपोर्ट और प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। और ये जो सारी हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको अलग अलग कैविटी अलग अलग कैविटी कवर करके रखती है। हमने सारी कैविटी के बारे में देखा, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कौन सी कैविटी देखेंगे, क्रैनियल कैविटी देखेंगे और स्पाइनल वर्टेब्रल कैविटी देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक, आगे नेक्स्ट पार्ट में।